ब्रेड के पैकेट के विच पहला ब्रेड अजिहा क्यों होंदा है? गन्ने का रस किन्ने मिंटा बाद एक्सपायर हो जाता है, जाने कि वह किन्ने मिंटा बाद पीण जोगा नहीं रहिंदा? किस देश दे विच जेकर तुसी हॉस्पिटल दे विच किसी मरीज नूं मिल जाने हो तां तुहानूं पैसे देने पैणगे? अजिही रोचकता जानने लई जुड़े रहो मेरे नाल। मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसी देख रहे हो ज्योति। तुसी जिहड़ा गर्मियां दे विच गन्ने दा रस पीने हो, असल दे विच ओह दुनिया दी सब तो छेती एक्सपायर होने वाली चीज है। गन्ने दा रस सिर्फ 15 मिंट दे विच ही एक्सपायर हो जाता है। जेकर तुसी गन्ने दे रस नूं एक्सपायर होने तो बाद पीने हो तां तुहानूं टेस्ट दे विच कोई फर्क नहीं पता लगेगा, पर उसके अंदरले सारे न्यूट्रिशन 15 मिंट बाद खत्म हो जाते हैं। तुसी सिर्फ दो चीजां करके इस दुनिया की 80% जनसंख्या तो वधिया दिखाई दे सकते हो। रोजाना कसरत करन ते सेहतमंद खाना खाण दे नाल तुसी तकरीबन दुनिया के हर व्यक्ति तो वधिया लगोगे। ये दिखावट सिर्फ चेहरे के उपर नहीं बल्कि शरीर ते चमड़ी के उपर भी निर्भर करती है। इसलिए फिट रहो, कसरत करो ते सेहतमंद रहो। जर्मनी के एक अजैब घर के महाराणी एलिजाबैथ का एक स्टैचू है। इस स्टैचू के महाराणी एलिजाबैथ के बाल सिर्फ साइड के उपर लगे हुए हैं, तो सिर तो वह बिल्कुल गंजी है, क्योंकि इस तरह का बुत बनाने के असली बालों की वरतों होंगी है। असली बाल बहुत ज्यादा महंगे होंगे ने, तो इस अजैब घर के कोल इन्ना ज्यादा पैसा नहीं सी, इसलिए उन्होंने अजिहा किया। एक सर्वे के अनुसार साल 1980 तो अज के लोग 40% ज्यादा सैल्फिश जां आपां कहीए खुदगर्ज हो गए हैं। अज के लोग 1980 के दहाके के लोगों के नालों बहुत घट किसी बारे सोचते हैं, तो उन्होंने हमदर्दी भी बहुत ज्यादा घट गई है। तुसी आप नोट किया होगा कि साडे दादा दादी जां साडे नाना नानी किन्ने केयरिंग होंदे सन। एमाजॉन के एक फीचर के नाल तुहानूं 70,000 रुपए मिल सकते हैं। जेकर तुसी कोई एमाजॉन तो प्रोडक्ट मंगाते हो तो पार्सल के विच तुहाडी चीज टुटी हुई या खुली हुई आउंदी है, तो तुहाडे कहण ते एमाजॉन वाले उस चीज नूं वापस लै जांदे ने, पर जेकर उह वापस लैण दे विच देरी करन ते इस चीज की जेकर तुसी एमाजॉन नूं कंप्लेंट लिखाते हो तां उह तुहानूं $1,000 देवेगा। यह स्कीम हर एमाजॉन के प्रोडक्ट के उपर लागू होंदी है। हुण तुसीं स्ट्रॉबेरी नूं देखो, असल दे विच इह पाइनबेरी है। इसका टेस्ट बिल्कुल पाइनएप्पल वर्गा हुंदा है, पर यह दिखाई दिंदी है स्ट्रॉबेरी वर्गी, पर इसका रंग बिल्कुल स्ट्रॉबेरी तो उल्ट है। इंडिया के शहर अहमदाबाद के कई हॉस्पिटलों ने यह रूल कर दिता है, जेकर उत्थे एडमिट किसी मरीज को भी उसका रिश्तेदार मिलना आता है तो वह उस तो 50 रुपए लेंदे हैं, तो जो मरीज को हॉस्पिटल के डिस्चार्ज यानी कि छुट्टी दी जाती है तो यह पैसे उसके बिल के कट दिए जाते हैं। यह रूल हॉस्पिटल के लागू होने तो बाद मरीजों को मिलने वाले रिश्तेदार की गिनती हुण अद्धे नालों भी घट रह गई है। इस मरीजों को हुण यह सहूलत मिल गई है कि वह शांति के नाल आराम कर सकते हैं, तो जिहा करन दे नाल हुण हॉस्पिटल के रौला रप्पा तो चहल पहल भी घट गई है। तुसी भी कदे अजिहा सोचा है कि सब तो पहला ओरेंज रंग आया जां ओरेंज जिहड़ी कि संतरा आया? असल दे विच पहला फ्रूट आया सी जिसका नाम ओरेंज रखा गया। पहला ओरेंज कलर नूं येलो रेड कहा जाता सी, फिर अगे चल के लोगों ने इस कलर का नाम ही बदल के ओरेंज कर दिता, क्योंकि याद रखने दे विच काफी ज्यादा सौखा सी। अजकल बहुत सारे लोग गूगल तो छोटे हैं, जेकर तुम सितंबर 1998 तो पहला पैदा हुए हो तो तुम गूगल तो बड़े हो। अज की आबादी 40% लोग 1998 तो पहला पैदा हुए हैं। एक साइंटिस्ट ने 500 साल पुराने जीव नूं एक गलती दे नाल मार दिता। इस जीव की उम्र 507 साल सी, ते साइंटिस्ट ने इस दे उपर एक्सपैरीमेंट करते हुए इस नूं गलती दे नाल मार दिता। साइंसदानां दा मनना है कि अजिहे होर भी कई जीव पानी दे विच मौजूद हन, पर उन्हां नूं लभना लगभग नामुमकिन है। यह चार्ट लगभग हर एक टॉयलेट के होना चाहिए है। यह लोगों को दसदा है कि तुम कितने ज्यादा डीहाइड्रेट हो। जेकर तुहाडे पेशाब का रंग 1, 2 या 3 वर्गा है तो यह नॉर्मल है। जेकर तुहाडे पेशाब का कलर लाल रंग तो पार होता है, मतलब कि 4 तक जाता है, तुहाडे पेशाब का कलर 6 नंबर तो उपर जाता है, तो तुहानू रोजाना बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। ABC जाने के कौन बनेगा करोड़पति दे विच जिहड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, असल दे विच ओह पहलां तों सैट नहीं हुंदे। इह सामने बैठे प्रतियोगी की परफॉर्मेंस के हिसाब के उस टाइम सैट किए जाते हैं लाइव के। जेकर तुसी इंडिया दे विच किसी का वाईफाई वरतते हो उसनू बिना पुछे तो तुहानू कोई परेशानी नहीं होगी, पर इत्थे यह भी दसना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुसी हर किसी के वाईफाई के नाल अपने फोन नू कनैक्ट ना करो, नहीं तो तुहाडे फोन की सारी इनफॉर्मेशन लीक हो सकती है। पर जेकर सिंगापुर दे विच तुसी किसी नू बिना दसे उसके वाईफाई नू वरतते हो तो तुहानू 8,00,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। सिंगापुर दे विच जेकर तुसी किसी के वाईफाई नू वरतते हो तो उस वाईफाई का ओनर पुलिस नू शिकायत कर दे तो तुहानू 3 साल की सजा और $10,000 जुर्माना लगेगा, मतलब कि तुहानू इंडिया का 8,00,000 रुपया जुर्माना देना पवेगा। इत्थे किसी के वाईफाई नू वरतना कानूनी अपराध है। इस औरत ने अपने सिर के उपर बालों का टैटू बनाया है। असल दे विच इस औरत नू कैंसर सी ते कैंसर के इलाज दौरान इसके सारे बाल झड़ गए। इस तों बाद इसने अपने मन की तसली दे लई अपने सिर के उपर बालों का टैटू बना लिया। जदों यह फोटो सोशल मीडिया के उपर आई तो यह बहुत ज्यादा वायरल हुई। इस औरत ने सानू एक गल सिखाई है कि जिंदगी दे विच सानू अपनियां खुशियां आप बनाउणियां पैंदियां हन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦਾ ਸਟੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇੜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਲੋਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀਸ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੁਝ ਰੌਚਕ ਤੱਤ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।